नमस्कार, मैं अंजलि नेगी किन्नौर अब तक चैनल से। बीते रविवार को उड़ान समाज सेवा के ग्रैंड फिनाले में टॉप 10 के प्रतिभागियों के संगीत के 3 राउंड संपन्न हुए, जिसमें पहला और दूसरा राउंड किन्नौरी था, तीसरा राउंड मल्टी टैलेंट राउंड जो किन्नौर से बाहर रखा गया था। यह प्रोग्राम MCN किन्नौर, किन्नौर अब तक और किन्नौरी एंटरटेनमेंट चैनल में लाइव रहा। उड़ान समाज सेवा के अध्यक्ष श्री हरविंदर और सचिव श्री कुलदीप नेगी व उपाध्यक्ष श्रीमती बिमला देवी ने कहा, इस आयोजन को आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे व जनता के सहयोग व इस आयोजन में जितने भी अतिथि व प्रतिभागी आए सभी का धन्यवाद किया और स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग व बिजली बोर्ड का आभार जताया। इस आयोजन में पहले प्रतिभागी को 17,000 रुपये, दूसरे प्रतिभागी को 8,000 रुपये और तीसरे प्रतिभागी को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। चुने हुए प्रतिभागी को सुभान नेगी के स्टूडियो से एक एल्बम लॉन्च किया जाएगा व साथ ही उड़ान समाज सेवा चुने हुए प्रतिभागी को संगीत में आगे सीखने के लिए, अगर उनकी चाहत हो तो NGO की तरफ से संगीत में सीखने के लिए जो सहयोग होता है वह करने की कोशिश की जाएगी। इस आयोजन के सरस्वती वंदना में श्री बलवीर नेगी सुंगरा व डॉक्टर आनंद नेगी ने बतौर अतिथि शिरकत किया और दोनों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए 5,000 रुपये की राशि दी। समापन संध्या में वन उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी व उनके सहयोगी श्री बलदेव नेगी, श्री संजय नेगी आदि गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत किया। आदरणीय श्री सूरत नेगी ने सभी कलाकारों को आशीर्वाद दे के साथ आयोजक कमेटी को 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की। चुने गए प्रतिभागियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम भूपी नेगी, जगमोहन नेगी, अमरेंद्र नेगी, कुमारी शीतल नेगी, अनुराग नेगी, निखिल नेगी, विशाल नेगी, किशोरी लाल, श्रीमती बबली नेगी, श्री सुमित नेगी व श्रीमती राजेश्वरी नेगी। 2022 के किन्नौर आइडल श्री भूपी नेगी चुने गए हैं। इस आयोजन में जज रहे श्री सुभान नेगी, श्री नीरज नेगी व श्री चौहान देव नेगी। इस आयोजन के मंच संचालक रहे कवि राम भगत नेगी। मैं किन्नौर चैनल से अंजनी लेगी। नमन, जय किन्नौर। अध्यक्ष आदरणीय हरविंदर जी अपने विचार रखेंगे। आपका स्वागत है। जोरदार से तालियां और इस फाइनल राउंड को फाइनल तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आइए हरविंदर जी से एक छोटा सा परिचय, पहले अपना परिचय आपसे ही सवाल पूछेगी। आइए बताइए आपने क्या किया, शिक्षा में क्या किया, पहले बताएंगे आप शिक्षा में क्या किया है। इस समय मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। और तो मैथ पढ़ा रहे हैं। इस मुझे बोलना नहीं आ रहा संगीत, इस संगीत में आपको अट्रैक्शन इस प्रकार का आयोजन कराने का, आपको संगीत का नॉलेज है? किन्नौर में तो किन्नौरी संगीत का नॉलेज वैसे सबको होना चाहिए मुझे लगता है, तो हमें भी है क्योंकि हम शादियों में नाचते हो तो हम किन्नौरी संगीत ढूंढते हैं, तो वैसे सबको ही होना चाहिए नॉलेज किन्नौर संगीत का। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं किन्नौर में, NGO बनाकर समाज सेवा करने का आपका ठेका लगा हुआ क्या? यही समझ लो। चलिए बहुत अच्छा है, समाज सेवा ठेका नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने जन्म लिया है, आपको कुछ ना कुछ करना है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि इतने समय तक आप इधर हमारे साथ बने रहे। 10 बन चुके लगभग, तो जितने भी यहाँ पर हमारे जजेस जो पिछले 3-4 दिनों से हमारे साथ है और जितने भी पार्टिसिपेंट, कईयों कल पेपर भी है परंतु अभी भी इधर बरकरार है, तो उन्हें भी उम्मीद है जरूर हम स्टेज से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। जैसे कि आदरणीय राम भगत जी ने कहा, इनकी बातों से लग रहा कुछ परिणाम कुछ अलग ही होना, तो मैं यही कहना चाहूँगा परिणाम चाहे कुछ भी हो आपको घबराना नहीं है, ये आपका एक स्टेप है। आदमी कभी भी फेल नहीं होता, बस वो सीखते रहता है। अगर आप फेल हो तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला,
यदि कोई आदमी फेल होने के बाद ना सीखे तो उसका जीवन कभी भी संभव नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। और जो आज इस मुकाबले में जो टॉप 11 जो बने हैं, तो ये हमारे किन्नौर आइडल के आप टॉप फर्स्ट सीजन फर्स्ट के टॉप 11 है। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। इस वर्ष आप सभी बहुत कुछ सीखोगे। हम चाहेंगे कि हमारा जो टॉप जो आइडल बनेंगे तो उनके लिए जो हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे तीनों जजेस के माध्यम से उनके लिए हम ट्रेनिंग होगा, जैसे सुभाष जी ने बताया रिकॉर्डिंग होगी, तो उसके लिए समय कम था। अभी तो जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी वो इसके बाद शुरू होगी। और जो हमारे जो टॉप तीन होंगे या जो हमारे किन्नौर आइडल जो तीनों होंगे, तीनों के लिए हम कुछ नियम और कुछ शर्तें हैं हमारी संस्था की, ताकि भाई जो उन्होंने यह स्तर हासिल किया है वो इसी प्रकार से बरकरार रहे। किन्नौर आइडल जगमोहन जी नहीं, शीतल जी नहीं, तो चलिए अरविंदर जी तीसरे नंबर पर आए हैं, जोरदार से तालियां। आप तीसरे नंबर पर आए हो, क्या बोलना चाहेंगे? जगमोहन जी दूसरे नंबर पर, जोरदार से तालियां। और 1 और 11 भूमि किन्नौर आइडल। बेटी गांव से और इनके भाई रनर रुक रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो है पहला खिताब किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सभी को। अब आप लोग सभी ग्रुप फोटो लीजिए, एक बार ग्रुप फोटो सब ग्रुप फोटो ले रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए जजेज का बिल्कुल फेयर काम आप सबके समक्ष, क्योंकि आवाज आप लोगों से आई थी भूपी। जिसे आप परिचित हो, मार्क्स देने में कंजूसी की है या फिर कंजूसी नहीं की है? नहीं सर, एक्चुअली मैं अपने प्रोफेशन को लेके, म्यूजिक को लेके बहुत ही फेयर और बहुत पैशनेट हूँ, और जो डिजर्व करता है जैसा उसको वैसे ही मार्क्स मिल रहे हैं। इसमें कंजूसी या किसी को ज्यादा कम की बात नहीं है। किन्नौर के अंदर में एक सेकंड, किन्नौर के अंदर में आप एक आइडल हो, किन्नौर के अंदर में एक आइडल हो आप, प्लीज ध्यान शांति से। आप कलाकार हो, पहले कला के बारे में जाने, किन्नौर के आप अंदर में आप आइडल हो, और इसके बाद एक आइडल और बनकर जाएगा। आपके आइडल कौन रहे हैं, जिक्र जरूर करें। सर एक बात तो मैं फिलहाल आप जैसा बोल रहे हैं आपको लग रहा होगा, पर मैं आइडल तो नहीं हूँ, पर मुझे अभी बहुत लंबी जर्नी करनी है। अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया अच्छे से। मैं तो बहुत अच्छे से सीखना चाहता हूँ और बहुत आगे जाना चाहता हूँ, और किन्नौर का भी नाम बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। और सीखने की बात रही, प्रोफेशनली जो म्यूजिक हमने सीखा है वो तो गुरुओं से ही सीखा है। अपने जो कॉलेज में हमारे गुरु थे श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर सर, कल्पना मैम वगैरह, जो हमने एजुकेशनली जो सीखा है, और जो मुझे म्यूजिक डायरेक्शन का शौक था, मुझे ज़्यादा फोक से ज़्यादा प्यार हिमाचली फोक में, तो उसमें हिमाचली म्यूजिक डायरेक्शन में मेरे आइडल श्री सुरेंद्र नेगी जी रहे और हमेशा रहेंगे। उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं, और हिमाचली फोक के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि बस हमारे किन्नौर में भी अच्छा हो और लोग थोड़ा सा म्यूजिक को अच्छे मुकाम पे ले जाएं।